हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोहसिन खान। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही आप यूज़फुल वीडियो लेकर के आया हूँ। बेसिकली उन सभी लोगों के लिए है ये वीडियो जो नॉर्थ साइड 6 क्रैक कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है और उन्हें कोई ना कोई एम्स अलॉट हो गया है और अब उन्हें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उनको जो ऑफर एम्स है उसे एक्सेप्ट करना है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी इंक्वायरीज थी, काफ़ी सारे डाउट्स थे लोगों को, तो मैं उसी को क्लियर करने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा अभी बिकॉज थोड़ा सा मेरे घर पे रिनोवेशन की वजह से जो पूरा सिस्टम है वो हटा रखा है। तो आप एक बार जस्ट इसे बहुत गौर से सुनिएगा। तो देखिए, यहाँ पे देखो, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपको एम्स अलॉट हो गया है तो वो आप लोगों के लिए मस्ट है कि वो एम्स आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देयर आर नो चांसेस ऑफ सेकेंड काउंसलिंग, ऐसा जैसा पहले एम्स के पेपर में हुआ करता था कि सेकेंड काउंसलिंग हुआ करती थी, अब ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको कंपलसरी है, अगर आप एम्स में जॉब अभी चाहते हैं, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर, अदरवाइज आपको उसको छोड़ देना है और उसका आगे कोई प्रोसेस होने वाला आगे नहीं है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो, आपको वो एक्सेप्ट करना कैसे है, क्या करना है। तो बेसिकली आपको अपनी आईडी पे लॉगिन करना है, जो भी आपकी लॉगिन आईडीज वगैरह हैं उसके थ्रू, और वहाँ पे जाकर के उस पोर्टल पे जाकर के आपको जो आपको एम्स मिला है उसे एक्सेप्ट करना है और आगे डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसेस को प्रोसीड करना है। और इसकी जो लास्ट डेट अभी दी गई है, 17 तारीख से ये चालू हुआ था, 17/10/2023 से, और अभी ये 23 तारीख तक ये प्रोसेस पूरा होना है। तो डेट ध्यान रखिएगा, डेट मत भूलिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग डेट ध्यान में रखिएगा कि वो डेट कौन सी है, 17/10/2023 से लेकर के 23/10/2023 शाम को 5 बजे तक। अब देखिए, इसमें नीचे एक 10वां पॉइंट आप लोगों के लिए जो दिया गया है वो सिंपल सी सीधी बात बोली गई है। इफ ए कैंडिडेट इज ऑफर्ड पोस्ट एट एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डज नॉट रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट पब्लिक हॉस्पिटल विद इन द टाइम नोटिफाइड बाई रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज रिफ्यूजल बाय द कैंडिडेट टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑफर्ड इंस्टीट्यूट एंड हिज और हर कैंडिडेचर फॉर दिस विल बी कैंसल्ड। आप जब ये अभी एक्सेप्ट कर लेंगे और जब इंस्टीट्यूट आपको एक स्पेसिफिक टाइम देगा जहाँ पर आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, है ना, अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अपने जो एम्स अलॉट हुआ है वहाँ पे, अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक और नोट दिया गया, इफ़ एनी कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलोकेटेड ए सीट एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी ऑफ द अबो मैनर, ही इज़ और हर सीट एलोकेशन सेल स्टैंड कैंसल्ड, ठीक है। तो वो भी एक है जहाँ पर आपका जो एलोकेशन है वो कैंसल हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी। दूसरे पॉइंट पे आते कि आखिर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उन डॉक्यूमेंट में किस तरह से आपको सारी चीज़ें ध्यान में देनी है, क्योंकि बहुत सारे डाउट है सभी लोगों को, ठीक है। तो मैं चाहूँगा एक एक करके उस सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें अपलोड करनी है। तो सबसे पहला देखो, जो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलोकेटेड एनी इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन नॉर्थ साइड पोर्टल एज ई डोजियर फ्रॉम 17/10/2023 से लेकर के 23/10/2023, वही सेम डेट है, 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक आपके पास टाइम है, यानी लास्ट डेट इज 23 अक्टूबर 2023। जल्दी से जल्दी आपको ये प्रोसेस करना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। इसमें आपका पहला जो डॉक्यूमेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ 10th सर्टिफिकेट। आपको हमेशा से ही बोला जाता है 10वीं का सर्टिफिकेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है और इसका कुछ काम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देखो, प्रूफ ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी मैंने शायद डेथ सर्टिफिकेट बोला, डेथ सर्टिफिकेट नहीं, इट्स बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके लिए काम आने वाला है, दैट इज़ 10th मार्कशीट। तो आपको ये यहाँ पे अपलोड करना है एक PDF बना करके, और मैं आपको एडवाइस करूँगा घर पे ना कोशिश करें इसको करने के लिए, आप ई मित्र जाइए, ज़्यादा नहीं 100-150 रुपये लगेंगे, वो अपलोड कर देगा अच्छे से, ना, तो वहाँ से अपलोड करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप करोगे तो अपने मन की, मेरे कहने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना, ठीक है कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे डाउट पूछ रहे बच्चे कि सर मार्कशीट कहाँ की करनी है, जीएनएम की या बीएससी की या पोस्ट बेसिक की, कौन सी करनी है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ साफ साफ जब दिया हुआ है आपको क्या करना है, ये मिटा देता हूँ मैं, अपना सेकेंड पॉइंट पर आ चुके हम। सेकेंड पॉइंट साफ साफ बोल रहा है कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देने हैं, इसमें आपको ओरिजिनल या फिर प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अलोंग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट। तो सीधा सीधा जो आपके जितने भी मार्कशीट्स हैं उन सबका एक पीडीएफ बनवाएं, या अगर आप लोगों के पास ऐसी मार्कशीट है जिसमें लास्ट मार्कशीट में आपके पूरे चारों साल के जो रिजल्ट डिटेल्स दिए गए हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, एक साथ पीडीएफ बना करके क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें तीन चीज़ें आ जानी चाहिए, वो तीन चीज़ें क्या है, सबसे पहला तो मार्कशीट आ जानी चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कशीट के बाद में आपकी डिग्री यहाँ पर आ जानी चाहिए। अब डिग्री बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है तो जो प्रोविजनल डिग्री मिली है वो लगा दो, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इज इट क्लियर। और चाहें तो आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मत लगाइए, यहाँ पे आप नॉर्मली इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सी ऑप्शन है, जो सी पोर्टल है, वहाँ आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है सर, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज थे, सर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट काउंसिल का है, हमारे पास पर्टिकुलर जिस एपिसोड में अलॉट हुआ है वहाँ का नहीं है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप हरियाणा से हैं हरियाणा का चलेगा, आप कहीं पे भी जाएं, एम्स में नहीं, एम्स में जाएं, आप भोपाल जाएं, एमपी जाएं, चाहे आप केरला साइड चले जाएं, मणिपुर या जो कहीं भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो आपका नेटिव सर्टिफिकेट है वही अपलोड कर दीजिए, देन बाद में जब वहाँ आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आप उसे चेंज करवा सकते हैं वहाँ पर एज ए वर्किंग स्टाफ, है ना, क्योंकि अभी चेंज करने में बहुत दिक्कत आएंगी, अभी इस प्रोसेस को मत फॉरवर्ड करना। जब वहाँ ज्वाइन कर लोगे बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अगर होता है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है तो आप लोगों को वहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकते हो कि सर इस टाइम पीरियड के बीच में 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अंडरटेकिंग उन्हें दे सकते हैं। तो ऐसे कोई घबराने वाली ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, इज़ इट क्लियर। अगर आप जीएनएम के कैंडिडेट हैं, डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अगर आप बीएससी हैं तो उसे छोड़ दीजिए, बट अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड वहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि जहाँ पर क्लियरली मेंशन हो कि नंबर ऑफ बेड्स, कितने बेड्स का वो हॉस्पिटल था, इज इट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एनओसी, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे लोग जिन जो ऑलरेडी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और अब उनका एम्स में हो गया है, वो स्विच कर रहे हैं, वो एनओसी लेना ना भूले। वैसे तो ये एग्ज़ाम से पहले लेनी होती है, फॉर्म फिल करने से पहले लेनी होती है, लेकिन आपने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसे इग्नोर कर दिया हो बात को तो बात अलग है। अभी भी आपके पास आराम से आप उसे अप्लाई कर दीजिए, एनओसी होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, और अगर नहीं भी रुका तो आपके जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी आपको काम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी एंड डब्ल्यूएस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, बेसिकली 1 अप्रैल से बाद के सारे अपडेटेड ही होते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 1 अप्रैल के बाद सारे अपडेटेड होते हैं, तो सारे अपडेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बेसिकली अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप एक इनकम सर्टिफिकेट भी जनरेट कर लीजिएगा, हो सकता है अभी काम ना आए लेकिन जो जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो कई बार वो लोग मांग लेते हैं, इट्स नॉट लाइक मस्ट, बट हाँ एक होगा तो आपके पास बेटर होगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन मेक इट वेरी इजीली बिकॉज इट्स सेल्फ डिक्लेयर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैन सर्टिफिकेट शोविंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय अथोराइज्ड ऑब्लिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बेसिकली
जो लोग PWBD के हैं उन लोगों को ये चीज़ का पता है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है इसके थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ज़रूर वहाँ पर वो प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो उसे आपको अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप कौन सी है, जब आप लोगों ने नॉर्थसेट 6 के लिए अप्लाई किया था आपके पास जो अप्लीकेशन का आपका जो फॉर्मेट था वो होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है, उस पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होने मस्ट हैं। अगर नहीं है, मान लो आपने उस टाइम पे संभाल के नहीं रखा उस टाइम का PDF आपके पास, अभी जो नया आप डाउनलोड करें उसमें साइन नहीं है, तो उसको प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करके फिर अपलोड कीजिएगा, बिना साइन के अपलोड कोई भी मत करना, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट सिग्नेचर का मतलब समझ रहे हो, तो आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी तो पहले उसका प्रिंट निकलवाएं, उसको अटेस्ट करें, उस पर साइन करें, देन उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में एडमिट कार्ड पे भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसे आपको क्या करना है अपलोड करना है। अगर आपके पास नॉर्मल प्रिंट है सिग्नेचर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी एक ऊपर से सिग्नेचर मार दीजिए, जैसे नॉर्मली आप जो आपके सर्टिफिकेट है उन्हें आप क्या करते हैं अटेस्ट करते हैं, तो उसी तरह से आप उनको क्या कर सकते हैं सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर करके उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इश्यू फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। बेसिकली आपको ओरिजिनल ID कार्ड वहाँ पे क्या करना है अपलोड करना है। अब ओरिजिनल ID कार्ड कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका आप बोल सकते हैं वोटर आईडी, ये कुछ चीज़ें जो ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एज ए ID कार्ड के आती काम में आती हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से आप अपलोड करें दैट इज़ बेस्ट रहेगा आपका, कौन सा अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आधार कार्ड, आप यहाँ पे क्या कर दें अपलोड कर दें एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देन लेटेस्ट फोटोग्राफ तो है ही, आपको लगाना ही है, स्कैनर करके स्कैंड सिग्नेचर, उसके अलावा स्कैंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ध्यान में रखिएगा राइट नहीं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए, ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्म आपको मिलेगा जहाँ आप डाउनलोड करेंगे या आपके जो ईमेल है चेक कीजिएगा वहाँ पर आया होगा, अदरवाइज़ जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उस वहीं पर होगा, जो एन नंबर का कॉलम होगा जहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन अपडेट करना है वहीं पर डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा, तो उसे वहीं से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, उसको भरिए और उसको अपलोड कर दीजिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप घर पे मत करना ट्राई, घर पे ट्राई करोगे तो वही प्रिंट लाओगे फिर करोगे, इससे अच्छा ई मित्र पे जाके भर लेना, वहाँ तो प्रिंट निकाल के देगा, साइन करना, अपलोड कर देना, झंझट ही खत्म है ना, हर जगह पैसे बचाने की मत सोचा करो। चलिए लास्ट पॉइंट है, कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वाटर कार्ड। अब देखो जो आपने यहाँ पे एज ए एड्रेस प्रूफ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके पिताजी का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, वो ना लगा करके आप राशन कार्ड लगा सकते हैं जिसमें आपका नाम मेंशन हो, और सबसे बेस्ट द बेस्ट अगर वोटर आईडी कार्ड है तो द बेस्ट रहने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप एज ए एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे होने वाली नहीं है। और आप कह रहे हैं नहीं सर आधार कार्ड ही कर दें तो कोई दिक्कत है, तो आप आधार कार्ड भी कर दीजिए तब भी कोई इशू नहीं है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एड्रेस प्रूफ दोनों में आधार कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों का एक और पॉइंट है, कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड एंड प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC EWS SC STP WWDC ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर क्लेम्ड कैटेगरी इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन दिस केस अलोकेटेड रिजर्व कैटेगरी सीट विल बी कैंसल्ड एंड एलिजिबिलिटी इज सब्सिक्वेंट राउंड इफ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू कट ऑफ रैंक ऑफ अन रिजर्व कैटेगरी। यानी कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है उस कैटेगरी का आप वैलिड सर्टिफिकेट बनाने में असफल होते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग है ना, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसे वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा और सबसिक्वेंट राउंड के लिए फिर आप एलिजिबल होंगे अगर कोई होगा तो। और मैं आपको कह रहा हूँ सबसिक्वेंट राउंड नहीं होगा, तो बेसिकली बात यह है अगर आपने जिस कैटेगरी सर्टिफिकेट से मिला है भरा है और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, आप वैलिड नहीं हो पा रहे, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कैंसिल
हो सकता है, बट आपके पास जो भी आप उसे प्रिपेयर करके रखिएगा एकदम वैलिड तरीके से बनवा के रखिएगा, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी, है ना। देन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही है जो आपको दिया हुआ है कि भाई आप सीट है वो कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी नहीं, है ना। तो बेसिकली ट्राई कीजिए, 1 अप्रैल के बाद के सभी डॉक्यूमेंट क्या होने वाले हैं यहाँ पे वैलिड होने वाले हैं। तो आई होप आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको रह गई हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 8949776634 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आता है तो। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता तो आप मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आई विल रिप्लाई टू योर मैसेज। और ज़्यादा बेटर ये है कि आप इस नंबर पे मैसेज करने से बेहतर है कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है mohsin21m, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे। मैं आप लोगों का श्योरली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिप्लाई करने वाला हूँ। ध्यान से अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव प्रोसेस। थोड़ी भी गलती यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या हो सकती है, काफ़ी भारी पड़ सकती है आप लोगों के लिए। तो यही आप लोगों से मेरे को बोलना था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसे अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर